हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इंग्लिश का एक सिनॉप्सिस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सिनॉप्सिस होता क्या है और इसे क्यों लिखा जाता है। फिर हम इसके पर्पज के बारे में पढ़ेंगे कि सिनॉप्सिस लिखने के उद्देश्य क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्वालिटीज के बारे में कि जो गुड सिनॉप्सिस होता है उसकी क्या क्या मेन क्वालिटीज होती है, और हम ये सारी चीजें देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि सिनॉप्सिस से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो सिनॉप्सिस से एक हमेशा छोटा क्वेश्चन आता है या फिर जो शॉर्ट नोट होता है वो सिनॉप्सिस पे लिखने के लिए देता है। कभी कभी इस पे एक जो होता है एक से डेढ़ पेज में लिखने के लिए जो हमारी पेज लिमिट होती है उसके हिसाब से इसमें सिनॉप्सिस से क्वेश्चन आ जाता है। तो सिनॉप्सिस होता क्या है कि मतलब जब भी हम किसी, या तो मान लीजिए आप एमएससी से स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाता है या फिर कोई भी एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उस पर मतलब उनको एक सिनॉप्सिस लिखना होता है जिसको इसको रिसर्च प्रपोजल भी बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मतलब होता है सिनॉप्सिस का। और जैसे रिसर्च प्रपोजल के हम उसमें देखें तो इसका सिनॉप्सिस का क्या होता है कि मतलब एक प्रोजेक्ट होता है और उसका सिनॉप्सिस लिखने के लिए दिया जाता है। तो जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी रिसर्च कार्य करोगे तो उसके लिए आपको एक रफ डॉक्यूमेंट वर्क बनाना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट आपका जो भी एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर आपका क्लास टीचर या प्रिंसिपल है तो उसको आप दिखाओगे कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट ये है और इसके अंदर ये क्वालिटीज है। तो वो सारा आपका प्रोजेक्ट का जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाता है वो सिनॉप्सिस के अंदर तैयार किया जाता है। और सिनॉप्सिस तैयार होने के बाद आप इसको आपके एचओडी को दिखाओगे, प्रिंसिपल को दिखाओगे, तो वो आपके बारे में इसको देख के मतलब आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये है आपके प्रोजेक्ट में मेन पॉइंट्स हैं और आपका एम ये है आपके रिसर्च का और उसमें क्या क्या कमियां हैं या कुछ और ऐड करना है, तो वो सारा आपका जो मतलब आपके सिनॉप्सिस के बेस पे आपके टीचर आपको बता सकते हैं। और हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में जो सिनॉप्सिस है वो बुक से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि लिटरेरी एजेंट को सिनॉप्सिस लिखा जाता है। जैसे कोई बुक है जो हमने लिखी है और उसे हमें पब्लिश करवाना है होता है, तो पब्लिश कराने के लिए हमें एक सिनॉप्सिस लिखना होता है जो कि लिटरेरी एजेंट को हमें प्रेजेंट करना होता है। और लिटरेरी एजेंट उस सिनॉप्सिस को पढ़कर पता लगाता है कि हमारी बुक के अंदर क्या है, किस बेस पर बुक लिखी गई है, और उसी को पढ़कर सिनॉप्सिस को वो आगे डिसाइड करता है कि हमारी बुक पब्लिश करनी है या नहीं। तो इसी के संदर्भ में हम लिटरेरी एजेंट को हमारा सिनॉप्सिस लिखते हैं। तो उससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिनॉप्सिस की डेफिनेशन के बारे में। तो सिनॉप्सिस क्या होता है कि सिनॉप्सिस इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ बुक दैट डिस्क्राइब्स अबाउट a book from beginning to end। मतलब कि सिनॉप्सिस एक शॉर्ट स्टोरी होती है किताब की, जो कि किसी भी किताब की शुरुआत से लेकर अंत के बारे में उसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हमें समझाती है। एंड दिस इज रिटन टू द लिटरेरी एजेंट। और ये एक लिटरेरी एजेंट को लिखी जाती है, लिटरेरी साहित्यिक एजेंट, लिटरेरी एजेंट का मतलब। तो हमारा जो लिटरेरी एजेंट होता है वो क्या होता है कि जब भी हम कोई बुक हमें छपवानी है, बुक पब्लिश करवानी है, तो उससे पहले हम वहां का जो पब्लिशर होता है उस पब्लिशर के पास एक लिटरेरी एजेंट होता है, या पब्लिशर बोल लो, लिटरेरी एजेंट बोल लो, उसको हमें हमारी बुक पढ़ानी होती है पहले। तो हमारी पूरी बुक तो पढ़ता नहीं है, पूरी बुक पढ़ने में काफी टाइम लग जाता है, तो उसको वहां पर सिनॉप्सिस प्रेजेंट किया जाता है हमारी बुक का। तो वो जो होता है लिटरेरी एजेंट उस सिनॉप्सिस को पढ़कर आगे उसके बारे में डिसाइड करता है कि हमारी बुक पब्लिश करनी है या नहीं, और इसी के लिए हमें सिनॉप्सिस लिखना पड़ता है। हमने पढ़ लिया सिनॉप्सिस की डेफिनेशन, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन मैंने बताई है, और इसके हिसाब से आप आराम से इसको मतलब लिख सकते हो पेपर में, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है इसकी जो हमारे सिलेबस में दी गई है उसके अकॉर्डिंग, वरना सिनॉप्सिस अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सिनॉप्सिस लिखने के पर्पस क्या होते हैं, इसके एम्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिनॉप्सिस के पर्पस के बारे में। तो पर्पस
सिनॉप्सिस लिखने के पर्पस क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इट सेव्स टाइम, ये समय की बचत करता है। जैसे कि लिटरेरी एजेंट को हमने हमारी बुक प्रेजेंट की कि ये बुक हमें पब्लिश करवानी है, तो मान लीजिए कि किसी बुक में 10 सेटायर है, तो वो सारे सेटायर को पढ़ने थोड़ी ना बैठेगा कि एक एक करके सारे सेटायर पढ़ेगा, तो इस हिसाब से हमारा सिनॉप्सिस लिखा जाता है। सिनॉप्सिस की क्या एक मतलब वर्ड लिमिटेशंस होती है कि इतने ही वर्ड में सिनॉप्सिस लिखना है, तो एक शॉर्ट फॉर्म होता है हमारी पूरी बुक का, शॉर्ट स्टोरी होती है, तो उसको हम पढ़कर, वो जो लिटरेरी एजेंट होता है उसको पढ़कर पूरी बुक के बारे में डिसीजन ले सकता है, उसको पढ़कर डिसाइड कर सकता है कि बुक पब्लिश करनी है या नहीं, तो इससे समय की बचत होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर डिस्क्राइबिंग अबाउट आर बुक इन शॉर्टली। सिनॉप्सिस के माध्यम से हमारी किताब है उसको एक शॉर्ट वे में, मतलब शॉर्टली तरीके से हम समझा सकते हैं। लिटरेरी एजेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको हमें हमारी किताब को समझाना है कि हमारी किताब में क्या है क्या नहीं है, तो हम सिनॉप्सिस के माध्यम से उसको एक शॉर्ट वे में और शॉर्टली मेथड में उसको हमारी बुक के बारे में समझा सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट होता है कि इट डिस्क्राइब्स अबाउट द ऑफ बुक। ये क्या होता है कि सिनॉप्सिस होता है वो किसी भी बुक की प्रिमाइस के बारे में होता है। प्रिमाइस मतलब उसका आधार, मतलब किस मुद्दे पर, जो हमारे समाज में जो प्रचलित कई मुद्दे होते हैं या फिर हमारा जो भी मुद्दा है बुक लिखने का, तो किस मुद्दे पर हमारी बुक लिखी गई है, किस आधार पर हमारी किताब लिखी गई है, उसके बारे में भी हमारे सिनॉप्सिस के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसलिए सिनॉप्सिस लिखा जाता है कि हमारी बुक का आधार क्या है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि टू डिस्क्राइब अबाउट द कैरेक्टर्स, किसी भी किताब में लिखे जाने वाले कैरेक्टर्स यानी कि पात्रों चरित्रों के बारे में समझाने के लिए सिनॉप्सिस का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बुक में कोई भी कैरेक्टर्स यूज किए हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है या आगे कैरेक्टर्स यूज किए हैं, तो उन कैरेक्टर्स के बारे में समझाने के लिए भी सिनॉप्सिस यूज किया जाता है। जैसे कोई भी एक मान लीजिए आपने कैरेक्टर है आपकी उसमें सोहन, तो सिनॉप्सिस में हमारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया होता है कि सोहन है, उसकी फिर आगे शारीरिक विशेषताएं बताई गई होंगी कि ऐसा ऐसा दिखाई देता है, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको समराइज करके सिनॉप्सिस में ऐड कर दिया जाता है, जिससे हम उसके बारे में पता लगा सकें कि आगे बुक में कौन कौन से जो कैरेक्टर्स हैं हमारे वो यूज किए गए हैं। ये तो हो गए हमारे सिनॉप्सिस के पर्पस। अब पर्पस के बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक जो गुड सिनॉप्सिस होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिनॉप्सिस की क्वालिटीज के बारे में कि गुड सिनॉप्सिस में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी क्वालिटीज होती है कि लेंथ है कि एक सिनॉप्सिस होता है जो फिक्स लेंथ में लिखा जाता है। इसकी वर्ड लिमिटेशंस होती है, तो वर्ड लिमिटेशंस का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो मिनिमम वर्ड लिमिट होती है हमारी 500 यानी 500 वर्ड्स होती है, 500 वर्ड्स टू 800 वर्ड्स। इसका मतलब है कि जो कम से कम शब्द हम यूज कर सकते हैं वो 500 है, और जो ज्यादा से ज्यादा शब्द हम यूज कर सकते हैं 800। इसी वर्ड लिमिट के बीच में हमें हमारा सिनॉप्सिस लिखना पड़ता है, और सिनॉप्सिस ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक वर्ड लिमिट फिक्स की गई है हमेशा सिनॉप्सिस लिखने के लिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज में सिनॉप्सिस, जिस लैंग्वेज में सिनॉप्सिस लिख रहे हैं वो एक तो सिंपल होनी चाहिए, दूसरी बात है इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सिनॉप्सिस जिस भाषा में लिखा गया है वो सरल और समझने योग्य होनी चाहिए कि उसे आसानी से समझा जा सके। इसके बाद इसमें थर्ड क्वालिटी होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, जब भी कोई सिनॉप्सिस
प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको मतलब एक प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रेजेंटेशन हम हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर में पावर पॉइंट की हेल्प से तैयार करते हैं, और प्रेजेंटेशन बनाते समय हमें मतलब जो एक सिनॉप्सिस है उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। पहली तो है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एकदम करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ सिनॉप्सिस लिखने के लिए, वो फॉन्ट इजी होना चाहिए ताकि आसानी से सभी को समझ आ सके। इसमें तीसरा होता है कि बोल्ड कैरेक्टर्स होने चाहिए, जो हमारे शब्द है वो गहरे और मोटे होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इसमें कि लाइन स्पेसिंग एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जैसे एक लाइन तो ये हो गई, नेक्स्ट लाइन ये हो गई, तो इनके बीच में जो स्पेस है ये एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में एप्रोप्रिएट स्पेस नहीं होगा तो जो ऊपर की लाइन के वर्ड्स हैं वो नीचे की लाइन के वर्ड्स से मतलब मिक्स होते हुए दिखाई देंगे, तो समझने में दिक्कत होती है, इस वजह से एप्रोप्रिएट लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। बाद नेक्स्ट थिंग है कि अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें बहुत सारी स्लाइड्स होती है, तो एक स्लाइड के और दूसरी स्लाइड के बीच में एक एप्रोप्रिएट इंटरवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे स्लाइड्स निकलती जा रही है और हम उसके बारे में आसानी से समझा ही नहीं पा रहे, हम पहली स्लाइड के बारे में समझा ही नहीं पाए और वो निकल गई, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में समझा नहीं पा रहे और वो निकलती जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्लाइड को समझाने के लिए हमारे पास उचित समय होना चाहिए कि हम उसे आसानी से समझा सके, तो जो दो स्लाइड है उनके बीच का जो इंटरवल होता है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। Appropriate interval between two slides. ये हमारी हो गई synopsis की qualities, कि एक जो good synopsis होता है उसमें क्या क्या qualities होनी चाहिए। सबसे पहले हमने इसकी definition के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने synopsis के purpose के बारे में पढ़ा कि synopsis लिखा क्यों जाता है, उसके बाद हमने इसकी qualities के बारे में पढ़ लिया कि एक जो good synopsis है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ लिया, और इसके एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया है, और इसके नोट्स आप बना सकते हो अगर आप समझने के हिसाब से देखो, और बाकी अगर आपको इसके पूरे नोट्स चाहिए तो पूरे नोट्स के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।